हे दोस्तों, पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह उर्फ काला मन धनौला पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और अवैध हथियार रखने के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह नगर कौंसिल धनौला का उप प्रधान भी रह चुका है। आपको बता दें कि कौंसिल चुनाव में काला धनौला तथा उसकी माँ सर्वसम्मति से चुने गए थे। दरअसल इसकी दहशत की वजह से किसी ने इनके खिलाफ नामांकन तक नहीं भरा था। चुनाव के बाद काला धनौला की माँ को कौंसिल अध्यक्ष तथा इसे उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर काला धनौला के खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए, जिसके बाद पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर इसे तथा इसकी मां को इनके पदों से हटा दिया था। पद से हटाए जाने के बाद काला धनौला ने काउंसिल के प्रोसीडिंग क्लर्क व विपक्षी पार्षदों के नेतृत्व करने वाले पार्षद पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद से ही वह भगोड़ा चल रहा था। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2012 को शेरपुर ट्रक यूनियन प्रधान गुरविंदर सिंह तथा उसका दोस्त शाम 7 बजे शेरपुर गुरुद्वारा के पास खड़े थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुकती है। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा काला धनौला ने बंदूक निकालकर गुरविंदर सिंह पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस हमले में 2 गोली लगने की वजह से गुरविंदर सिंह उर्फ लक्की मारा गया था। इन वारदातों को अंजाम देने के बाद से पंजाब पुलिस लगातार काला धनौला को पकड़ने में जुटी हुई थी। 16 अक्टूबर 2012 को पुलिस को सूचना मिली कि काला धनौला अपने साथियों के साथ फत्ता चौक से गुजरने वाला है। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान बिना नंबर की एक बिस्टा कराई, जिसमें काला धनौला, उसकी पत्नी तथा उसके 3 साथी मौजूद थे। पुलिस ने जैसे ही कार को रुकना चाहा, उन्होंने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया और गाड़ी भगा दी। पुलिस ने भी पीछा किया और पाथड़ा पर उनकी कार को घेर लिया, लेकिन काला धनौला पुलिस को चकमा देने में सफल रहा और कार और पत्नी को छोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इसके कुछ दिनों बाद ही धनौला भी की रजबाहे पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान जब पुलिस ने बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोका, तो पीछे बैठा काला धनौला भागने लगा, लेकिन इस बार पुलिस ने कोई चूक नहीं की और पीछा कर काला धनौला तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इसके पास से 3 अवैध पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर 2015 में अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने काला धनौला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फिलहाल अभी यह होशियारपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, तो कुछ ऐसी है गुरमीत सिंह उर्फ काला धनौला की कहानी। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।